आज सचो के पास गए हैं पर्चा लिखवाने, आज सचो नहीं लिख रहा था पर्चा, कुविंदर सिंह मेरा साथ था ना, उन्होंने बोला कि तेरे खिलाफ पर्चा लगाऊंगा, तू ऐसे बात कर रही है। वो ऐसा सचो उसके साथ मिला हुआ है, वो दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। पलक मेरा भाई है जो अंदर है, तो स्टार्टिंग से ऐसे था कि जो सेकंड पार्टी थी ना उसने हमारे से पैसे लिए हुए थे 25 लाख इसको फॉरेन भेजने के लिए, बट ये फॉरेन नहीं गया किसी, इसको डेली रखा थोड़े दिन, फिर मेरे पापा एक्सपायर हो गए, फिर ये वापस आ गया। जब से पापा एक्सपायर हुए हैं तब से अब तक 10 मंथ्स हो गए हैं, इनकम का कोई सोर्स नहीं है फिलहाल के टाइम पे, और हम इससे पैसे वापस मांगते थे कि हमारे थोड़े थोड़े करके पैसे दे दे कि हमारे घर खर्च चले थोड़ा बहुत। जब भी भाई पैसे मांगने जाता था ये आगे उसको मारता धमकाता था, कुछ भी करके उसको वापस भेज देता था। बड़ी बार इसने ऐसे किया। फिर एक दिन ये क्रिकेट खेल रहे थे तो वो उनकी गाड़ी आई, वो सात बंदे हैं, उनकी गाड़ी आई, उन्होंने आके ये उनको मारने लगे वेपन्स के साथ। इन्होंने, ये चार बंदे थे, चार फ्रेंड्स आपस में, इन्होंने चारों ने वेपन्स लेके उनको मारा वापस से। फिर उन्होंने FIR करवाई तो ये खुद सरेंडर हो गए वहाँ पे। यहाँ तक अभी फिर इनको आगे हमने बेल वगैरह करवा के, आज इनकी तारीख थी, हियरिंग थी वहाँ पे कोर्ट में, तो हियरिंग से जैसे ये वापस आ रहे थे उन्होंने फिर आधे रास्ते में इनको पकड़ लिया हुआ है, और आज फायरिंग वगैरह की हुई है सब कुछ, और उसके बाद भाई को लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हम SHO के पास गए हैं पर्चा लिखवाने, SHO नहीं लिख रहा था पर्चा, कुविंदर सिंह मेरा साथ था ना, उन्होंने बोला कि तेरे खिलाफ पर्चा लगाऊंगा, तू ऐसे बात कर रही है। वो SHO उसके साथ मिला हुआ है, वो दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, SHO ने, SHO खुद ने बोला है। तो अभी ये SHO और वो सेकंड पार्टी मिले हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ, बट ये SHO हमारी लेता ही नहीं है, जो भी FIR वगैरह हमारी लिखता ही नहीं है वो। अब ये बात हुई इसकी, अपने FIR कराई है, ये हम करवाने गए थे बट पूरा थाना गायब था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। और जब हमने कॉल करके SHO को बुलाया, SHO कहता है तू ऐसे यहाँ पे बोल रही है ना, आके तेरे खिलाफ पर्चा लगाऊंगा मैं। वो उल्टा मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं पर्चा नहीं लिखूंगा, तेरे खिलाफ पर्चा लगेगा, वो मेरे को ऐसे बोल रहा है। ये हमें इंसाफ चाहिए, ये हाई ऊपर जानी चाहिए, DSP तक जाओ, यही है कि हमें इंसाफ दो, जैसे ही हमारे भाई को लगी है उनको पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी, और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो है, क्योंकि साढ़े बच्चे ही बड़ा हुआ है, मेरा कल्ला कल्ला बच्चा है, तो वो कल की और कुछ बाहर निकलो फिर मार कर आए कि करके फिर सख्त कार्रवाई करती है। अं मतलब उनके को डर है कि अं घर कल क्या रोना है, हमें आगे पीछे निकलेंगे कैसे निकलेंगे, अकेले मेरा हस्बैंड भी नहीं है, कहीं बाहर बाहर जाते गाड़ी लेके आ जाता है, गाड़ी लेके पीछे आ जाएगा आ जाता, तो हम चार पैसे निकलेंगे फिर बिठा के, हमने कैसे निकलना कहीं बाहर,